छोड़ दीजिए, मुझे मुझे कुछ नहीं। बता कौन है तू? चुपचाप तमाशा क्यों देख रही है? बता कौन है तू? तूने सुरभि और खुशी को मारने की कोशिश की? तुमने हमारी मासूम खुशी को फांसी के फंदे पे लटकाकर उसकी जान लेने की कोशिश की? किसके कहने पे तू आई है? किसकी गैंग में है तू? बता उस घर में जाने के तुझे किसने कहा था? मुझे कुछ नहीं मालूम। अन्नी मेरा हाथ छोड़। मुझे पता है ना, इसने सुरभि और खुशी को मारने की कोशिश की है। मैं छोड़ूंगी नहीं इसे। आपको कैसे पता चला कि खुशी को फांसी के फंदे पे लटकाया गया था? सुरभि ने तो एक बार भी नहीं बोला ऐसा, तो आप कैसे कह सकते हैं? देख ना सुरभि को, तो चोट लगी है, खून निकल रहा है। और सुरभि ने भी तो कहा ना कि ये औरत उसके साथ थी, किसी ने हमला किया होगा। पर मामा को तो कीड़ी छुपी थी, इसलिए उनको लग गई। हाँ बिंदु दी, आपको कैसे पता चला कि इस लड़की ने हमारी जान लेने की कोशिश की? बाबा, बाबा ने कहा था कि बहुत घोर समस्या आने वाली है, बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, तो बस इसीलिए मैंने सोचा कि तू भी तो इस औरत के साथ आई है ना, तो मुझे लगा कि वही जिसे सच सबके सामने आ जाएगा। चलो किशोर, किशोर। हेलो पुलिस स्टेशन, किशोर जी, किशोर, किशोर जी, किशोर, सच बोलो। किशोर जी, किशोर जी, दरवाजा खोले। किशोर जी, किशोर, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। किशोर सच बोलो वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। किशोर जी, दरवाजा खोलो। किशोर जी प्लीज खोलिए दरवाजा। कोई कैसे किसी के साथ ऐसे कर सकता है? साई इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती है? मेरे कार्तिक ने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, साई को इतना माना, उन्हें इतना प्यार किया, फिर भी उनके साथ ऐसे हो रहा है। कभी कभी कुछ गलत नहीं किया कार्तिक ने, और फिर भी हेलो हेलो मामा, पापा मिल गए आपको? वो कैसे हैं? आप उन्हें घर लेके आ रहे हो ना? खुशी वो पापा मिल गए, उन्हें कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएंगे। तुम चिंता मत करो, अपना ख्याल रखना। डॉक्टर कार्तिक, देखिए इनकी हालत बहुत सीरियस है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए अभी हम कुछ नहीं कह सकते। जी आप रुकिए प्लीज, एक बार स्टेबल हो जाए फिर आप मिल लीजिएगा। कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, हमेशा सबका भला चाहा,
सबकी मदद की, फिर भी उनके साथ ऐसे क्यों हो रहा है पापा? आज मुझे आपकी मदद की जरूरत है पापा। आज मैं आऊंगी आपके पास, आपके दरबार में, फिर मैं देखती हूँ कि आप उन्हें मुझसे दूर कैसे ले जा सकते हैं। अगर मेरे कार्तिक को तकलीफ सहनी पड़ेगी तो मैं भी तकलीफ सहूंगी। गणपति बाप्पा मोरिया, गणपति बाप्पा मोरिया। चली गई हो तुम? मैं कार्तिक के लिए पापा से दुआ मांगने जा रही हूँ। किशोर जी क्या हुआ? कार्तिक ठीक तो है ना? कार्तिक जी की जान खतरे में है। भई हम उन्हें खोने दे। नहीं किशोर जी, कार्तिक को कुछ नहीं होगा, मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगी। नर्स पेनिसिलिन लेके आओ फास्ट। गणपति पापा मोरिया, गणपति पापा मोरिया, गणपति पापा मोरिया, गणपति पापा मोरिया। प्लीज मेरी मदद कीजिए पापा, प्लीज। गणपति पापा मोरिया, will be normal soon. He is back into his senses. पापा प्लीज मेरी मदद कीजिए, मेरे कार्तिक की रक्षा कीजिए, प्लीज उन्हें बचा लीजिए पापा प्लीज। तुम्हारी दुआ काम कर गई। कार्तिक मेरे पास आओ। क्या हुआ कार्तिक? दूर उठो, दूर। कार्तिक बात तो सुन, कार्तिक क्या कर रहा है? क्या कर रहे हो? कार्तिक रुक जाइए। आई 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 आई